हेलो व्यूअर्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है ऑफिस नोटबुक की एक नया वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है, बट ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। यहाँ पर फ्रीली आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्री में प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर वहां पर एनिमेशन डालना है और उसको प्रेजेंट करना है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे, आपके सामने सिलेक्ट ए टेम्पलेट का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा, कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब जैसे ही क्लोज करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों स्लाइड। ओके, जिस तरीके से लिब्रा ऑफिस राइटर पे होता था पेज, यहाँ पर होता है दोस्तों स्लाइड। अब पहले हम लोग जान लेते हैं अगर हम लोग को इस स्लाइड की साइज चेंज करना है तो किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्रॉपर्टीज पे चला जाऊंगा और प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पर फॉर्मेट, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सिलेक्टेड है स्क्रीन 16:9। तो मॉडर्न डेज पे यही यूज होता है, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 4:3 ले रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास देखिए ये स्लाइड आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मुझको एक नया स्लाइड ऐड करना है तो यहाँ पर सिंपली मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे पास एक नया स्लाइड आ गया। या फिर देखिए, यहाँ पर भी आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर दे तो भी देखिए आपके पास नया स्लाइड आ जाएगा। अगर किसी स्लाइड को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर देखिए आपके पास आता है डिलीट स्लाइड का ऑप्शन, यहाँ से आप डिलीट कर दे तो देखिए डिलीट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली कीबोर्ड पे डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं एक शेप लेता हूँ, मैं स्माइली फेस को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और इसका कलर भी देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, मैं इस कलर को ले रहा हूँ। ओके, अब अगर मुझको इस स्लाइड की डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो देखिए जो स्लाइड 2 आया है ये स्लाइड 1 का डुप्लीकेट स्लाइड है। फिर से क्लिक करूंगा, फिर से डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल इनको कर देता हूँ डिलीट और इस इमोजी को मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब फ्रेंड्स अगर आपको किसी स्लाइड को हाइड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर देखिए हाइड स्लाइड का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो देखिए ये हाइड हो जाएगा। ओके, अगर आपको शो करना है फिर से राइट क्लिक करें और यहाँ से शो स्लाइड कर दे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया स्लाइड को डिलीट करना, यहाँ पर डुप्लीकेट बनाना, न्यू स्लाइड ऐड करना। ओके, अब फ्रेंड्स इस स्लाइड पे देखिए एक लेआउट है, इसका डिफॉल्ट लेआउट क्या है दोस्तों, क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल ऐड करेंगे और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये हो गया डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है स्लाइड लेआउट का, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से देखिए बहुत सारा स्लाइड लेआउट आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड को लूंगा। ओके, तो देखिए मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग इस स्लाइड पे टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो इसके लिए मुझको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए मैं टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं F2 दबा दूंगा और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम। अब इस टेक्स्ट को मुझको एडिट करना है तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं चला जाऊंगा कैरेक्टर पे, और यहाँ पर फ्रॉन्ट्स है, फ्रॉन्ट्स पे जाके आप कोई भी फ्रॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैं कोई भी एक फ्रॉन्ट को चूज करूंगा और यहाँ पर देखिए अप एंड डाउन की से आप फ्रॉन्ट को चेंज कर सकते हैं 1x1। तो फिलहाल मैं इस फ्रॉन्ट को ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिए स्टाइल पे जाके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, फिलहाल मैं बोल्ड ही ले रहा हूँ। ओके, और साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 105, और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूँ और ओके कर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे टेक्स्ट आ गया है और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा राइट साइड ड्रैग कर लेता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। ओके,
अब यहाँ पर और भी हम लोग चेंजेस करेंगे, तो इसके लिए मैं फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कैरेक्टर पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं फ्रंट इफेक्ट पे चला जाऊंगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर। तो देखिए ये रेड हो गया, फिलहाल मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार एक ऑप्शन है, या फिर आप इस आउटलाइन को ऑफ कर दे। इसके बाद शैडो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं शैडो को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। फिर है दोस्तों पोजीशन, यहाँ पर आप सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं, सब स्क्रिप्ट बना सकते हैं, यहाँ पर मैं नॉर्मल लेता हूँ। फिर है दोस्तों हाईलाइटिंग, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, फिलहाल नान है, यहाँ से आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूँ और मैं ओके कर दूंगा। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे टेक्स्ट आ गया है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन है, इसका मुझको अलाइनमेंट चेंज करना है, मुझको सेंटर पे ले आना है टेक्स्ट बॉक्स का। तो इसके लिए मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए मैं कैरेक्टर, इसके नीचे है पैराग्राफ, यहाँ पर चला जाऊंगा। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट अलाइन है, यहाँ से आप राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर टैब्स है, इंडेंट एंड स्पेसिंग का भी ऑप्शन है। फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर मैं चेंज नहीं करूंगा और ओके करूंगा। सो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स का सेंटर पे आ गया है। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, अब फ्रेंड्स इसको देखिए मैं स्लाइड की सेंटर पे लेकर आऊंगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से देखिए मैं हॉरिजेंटली इसको सेंटर कर देता हूँ, फिर मैं वर्टिकली सेंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये स्लाइड की एकदम सेंटर पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझको एक बैकग्राउंड डालना है, तो इसके लिए मैं स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और स्लाइड प्रॉपर्टीज पे चला जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है, कलर मिल जाता है, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ग्रेडियंट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक कलर सिलेक्ट कर ले और यहाँ पर और एक कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर ले और यहाँ से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। ओके, बीट मैप, पैटर्न, हैच, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पर बीट मैप पे चला जाऊंगा और यहाँ पर ऐड और इंपोर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मैंने बैकग्राउंड एक पहले से डाउनलोड करके रखा है, उसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूंगा और ओपन कर लूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा स्केल, फिर ओके। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये बैकग्राउंड आ गया है। ओके, तो यहाँ पर इतना शानदार आप स्लाइड बना सकते हैं। अब इसका मुझको एक डुप्लीकेट स्लाइड लेना है, तो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मुझको हेडिंग डालना है, इसको मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ और इसको मैं फिर से कर देता हूँ हॉरिजेंटली सेंटर। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ डेटास को कलेक्ट करके रखा है, उसके ऊपर मैं स्लाइड बनाऊंगा। ओके, टॉप 5 फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर मैं स्लाइड बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब फ्रेंड्स इसको मुझको छोटा करना है, तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, कैरेक्टर पे चला जाऊंगा और यहाँ पर फ्रॉन्ट्स पे जाके इसको मैं ले रहा हूँ 50 और ओके कर देता हूँ। तो ये काफ़ी है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आऊंगा इस टेक्स्ट बॉक्स को। ओके, यहाँ पर मैं रहने देता हूँ। आप चाहे तो इस टेक्स्ट को और भी बड़ा कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 फॉरेस्ट में इन नेम्स को मुझको डालना है, सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, गिर फॉरेस्ट, इनको मुझको डालना है 1 by 1। तो पहले यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से मैं सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, फिर गिर फॉरेस्ट गुजरात, इसको मैं कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, फिर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसको भी मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब दोस्तों
इनको मुझको चेंज करना है इनका फ्रॉन्ट, तो इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए मैं कैरेक्टर ऑप्शन पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं फ्रॉन्ट को चेंज करूंगा। तो ये फ्रॉन्ट सही है, इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर बोल्ड सिलेक्टेड है और यहाँ से मैं थोड़ा सा इनका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, 36 ले रहा हूँ और ओके कर दूंगा। तो ये अब शानदार लग रहा है। अब ये जो बॉक्स है इसको मैं सेंटर पे ले लेता हूँ, हॉरिजेंटली सेंटर, तो ये देखिए सेंटर पे आ गया। ओके, अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर बुलेट डालना है तो देखिए यहाँ पर बॉक्स सिलेक्टेड है, हम लोग चले जाएंगे फॉर्मेट और यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर देखिए ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। सो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इनके बीच में मुझको थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह डालना है तो यहाँ पर मैं एक स्पेस डाल देता हूँ इनके बीच में ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने यहाँ पर नंबरिंग भी डाल दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक न्यू स्लाइड ऐड करूंगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए मैं कोई भी एक लेआउट सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके की जो लेआउट है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस लेआउट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इमेज को ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट डालूंगा। सो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं रहने देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लेआउट भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक करके स्लाइड प्रॉपर्टीज पे चला जाऊंगा और यहाँ से आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप बीट मैप डाल सकते हैं। सो यहाँ से देखिए मैं और एक यहाँ पर बैकग्राउंड को डाल दूंगा जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इस बैकग्राउंड को डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं स्केल कर दूंगा और ओके कर दूंगा। सो यहाँ पर मेरे पास और एक बैकग्राउंड आ गया है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको सुंदरबन वेस्ट बंगाल इसका टाइटल डालना है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा फिर यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और कैरेक्टर पे चला जाऊंगा और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा फ्रॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस फ्रॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड रहने दे और यहाँ से मैं इनका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ 40 और ओके कर दूंगा। सो इसको आप थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा, कैरेक्टर्स पे चला जाऊँगा और यहाँ से मैं इनका साइज मैं 50 ले रहा हूँ और यहाँ पर शैडो वगैरह भी आप डाल सकते हैं, शैडो ले लेता हूँ और ओके कर दूंगा। सो अब ये सही है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई फोटो यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर इंसर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दे और यहाँ पर सुंदरबन का मैंने एक इमेज यहाँ पर रेडी करके रखा है तो इस इमेज को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो देखिए ये इमेज यहाँ पर आ गया है और यहाँ से देखिए आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको टेक्स्ट डालना है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से देखिए मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर देखिए मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पर मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कर दूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और कैरेक्टर्स पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए कोई भी आप यहाँ पर फ्रॉन्ट चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो ये अभी भी छोटा है इसका साइज, तो इनको मैं इंक्रीज कर लूँगा, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 72 और ओके। सो ये बड़ा नहीं हो रहा है तो इसके लिए मुझको यहाँ पर इसको ट्रैक करना है, तो ये देखिए यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जिन स्पेलिंग को आप इग्नोर करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर ले, राइट क्लिक करिए और इग्नोर ऑल कर दे तो देखिए इग्नोर ऑल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, तो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्लाइड बना सकते हैं और एक स्लाइड यहाँ पर हम लोग चलिए बनाते हैं।
यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं ब्लैंक एक लेआउट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से देखिए मैं ब्लैंक लेआउट को ले लेता हूँ। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए स्लाइड प्रॉपर्टीज पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं एक ग्रेडियंट डालूँगा, तो यहाँ से देखिए मैं एक लाइट कलर को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ एंगल वगैरह इनका इस तरीके से, तो अब चेंज कर ले। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक ग्रेडियंट आ गया। अब यहाँ पर मुझको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, सिंपली यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को ही मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा। अब सेकेंड जो फॉरेस्ट है इसका नेम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। राइट क्लिक करके देखिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए गिर फॉरेस्ट गुजरात ये आ गया। अब यहाँ पर मुझको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स डाल लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा, यहां से देखिए मैं इन टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा। पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डाल लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, और ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके यहाँ से देखिए मैं इग्नोर ऑल कर दूंगा। तो देखिए ये इग्नोर हो गया, फिर से यहाँ से इग्नोर ऑल कर देता हूँ। तो जो जो स्पेलिंग आपको इग्नोर करना है तो यहाँ से आप इग्नोर कर दें। ओके, तो इनको मैं पूरा सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर लेता हूँ। पहले जस्टिफाई हो गया, अब मैं चला जाऊंगा कैरेक्टर पे और यहाँ से देखिए इनका साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। 24 ले रहा हूँ। ओके, और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं हॉरिजेंटली सेंटर कर दूंगा। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप ऊपर ले सकते हैं, यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, मैं छोटा कर दूंगा और इसको मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ और यहाँ से भी मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, और इनका साइज मैं और छोटा कर देता हूँ। कैरेक्टर पे जाके यहाँ से मैं ले रहा हूँ 20 और ओके। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और यहाँ से देखिए मैं हॉरिजेंटली सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझको इमेज डालना है, तो यहाँ से मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मैं कोई भी एक इमेज को यहाँ पर डाल दूंगा। इस इमेज को मैं डाल रहा हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप स्लाइड बना लेंगे एक एक करके। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग इन स्लाइड्स पे एनिमेशन ऐड करेंगे, तो इस स्लाइड पे चलिए एनिमेशन ऐड करते हैं। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे इफेक्ट डालूंगा, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग कोई भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कैटेगरी बहुत सारा आपको मिलेगा, एंट्रांस इफेक्ट मिल जाएगा, एम्फेसिस मिल जाएगा, एग्जिट और बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं एंट्रांस ले लेता हूँ और यहाँ से देखिए एपीआर ले सकते हैं, फ्लाई इन ले सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो मैं यहाँ पर फ्लाई इन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला आता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे एनिमेशन डालूंगा। फिर से यहाँ से मैं ऐड इफेक्ट पे चला जाऊंगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैं फ्लाई इन डाल देता हूँ इस तरीके से, देखिए एक एक करके यहाँ पर आएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी दिखा रहा है फ्रॉम बॉटम, यहाँ से आप फ्रॉम टॉप अगर कर देंगे सो देखिए ऊपर से ये एनिमेशन आता रहेगा। ओके, टॉप से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं फिलहाल फ्रॉम बॉटम कर देता हूँ। ओके, और स्टार्ट देखिए यहाँ पर ऑन क्लिक है और इसके जगह पे देखिए आप विथ प्रीवियस कर सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं, तो ये सब एडवांस ऑप्शन है, बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सो ये यहाँ पर आप डायरेक्शन डाल दीजिए,
फिर है दोस्तों ड्यूरेशन, यहाँ से आप ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर 0.5 सेकेंड है, यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद है डिले, यहाँ पर आप डिले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर मैं जस्ट बेसिक आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला आता हूँ, और यहाँ पर मैं इस इमेज पे यहाँ पर एनिमेशन डालूंगा, और यहाँ पर फिर से देखिए एड इफेक्ट पे चला जाऊंगा, और यहाँ पर मैं बॉक्स ले लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से बॉक्स तरीके से यहाँ पर आएगा। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन आप डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर भी आप कुछ डाल सकते हैं यहाँ पर ऐड करके, और यहाँ पर देखिए फ्लाई इन सर्कल ये सब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लाई इन ले रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और इसको मैं देखिए डायरेक्शन यहाँ पर फ्रॉम यहाँ पर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग इन स्लाइड्स पे ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। ओके, तो इस स्लाइड पे मैं आ गया, और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है स्लाइड ट्रांजिशन का, और यहाँ से देखिए नॉन फिलहाल सिलेक्टेड है, कोई भी ट्रांजिशन आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अनकवर। ओके, तो इस तरीके से ये अनकवर होगा, इसका ड्यूरेशन आप घटा सकते हैं, और यहाँ पर साउंड भी आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर टॉप टू बॉटम है, यहाँ पर मैं ऑपोजिट कर देता हूँ बॉटम टू टॉप। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन आ गया, फिर यहाँ पर भी आप ट्रांजिशन डाल सकते हैं, मान लीजिए सेफ ट्रांजिशन डाल रहा हूँ, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन आएगा, फिर यहाँ पर और कोई भी आप ट्रांजिशन डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशंस को ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजिशन डाल दिया, और इनको समझने के लिए देखिए यहाँ पर एनिमेशन एंड ट्रांजिशन की जो साइन है इन स्लाइड्स पे देखिए आपको शो होगा, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा स्लाइड पे ये एनिमेशन है, कौन सा स्लाइड पे ट्रांजिशन है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग स्लाइड शो करते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप F5 दबा दीजिए तो देखिए स्लाइड शो चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्लाइड शो चालू हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग एक एक करके स्लाइड्स को चेंज करते रहेंगे और एनिमेशन आता रहेगा। ओके, इस तरीके से देखिए यहाँ पर एनिमेशन ऐड होता रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग लिब्रा ऑफिस इंप्रेस पे बड़े आसानी से स्लाइड्स बना सकते हैं, और इसको हम लोग प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।